हाई गायलकम टू स्मार्ट कॉमर्स क्लासेज माई नेम इज़ अंशुल मित्तल एंड इन टूडेज वीडियो वी विल बी कवरिंग द्वेल्थ चैप्टर ऑफ ए सी सी एफ टू एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टैटिकल टेक्निक्स तो बिफोर बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर मैं तुम्हें एक चीज़ इस चैप्टर के बारे में बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है दिस इज प्योरली प्योरली मैथ्स ये प्योरली मैथ्स है इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक्स नहीं है हाँ जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसका लॉजिक है कि हम वो चीज क्यों कर रहे हैं बट कैसे कर रहे हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है देर आर फॉर्मुलेस जो बने हुए हैं विच यू हैव टू लर्न ठीक है मैं अभी से इस चैप्टर के बारे में पहले बता रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है वेन यू स्टार्ट दिस चैप्टर यू कीप ऑन फाइंडिंग द लॉजिक यार ये फॉर्मूला ऐसे बना क्यों है ऐसा क्यों है तो हमें वो फॉर्मूले का लॉजिक नहीं जानना ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला बाई हार्ट इस चैप्टर में बहुत ज्यादा भी फॉर्मुलेज नहीं है हैं थोड़े बहुत इस चैप्टर का भी मैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर इस चैप्टर के भी सारे फॉर्मूले की मैं एक कंबाइंड वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे फॉर्मुलेस लिख दूंगा ऑल्सो भी हेल्पफुल टू यू ठीक है तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अब स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में सबसे पहले आता है हमारा फोरकास्टिंग टेक्निक <coughs> सो वाई डू वॉट आर दी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बेसिकली सो हम जो स्टैटिस्टिकल टेक्नीस पढ़ रहे हैं हम एक तरह से पढ़ रहे हैं फोरकास्टिंग टेक्नीस अब फोरकास्टिंग टेक्नीस का मतलब क्या होता है ये जो चारों चीज़ें हैं ये हमें क्या बताती है मैं तुम्हें इसका सिंपल सा मतलब बताता हूँ इस चैप्टर का क्रक्स ही ये है ताकि तुम समझ जाओ कि हम ये कैलकुलेशन सारी क्यों कर रहे हैं देखो <coughs> लेट से ये एक लाइन है ग्राफ्स हैं एग्जाम्पल ये है x और ये है y। ठीक है दिस इज x, दिस इज y। जो भी है अभी सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी कोई फॉर्मूला में नहीं बना रहा लेट से ये है मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स ये है मेरी आ, या यूनिट्स नहीं इसको मैं बोलता हूँ जैसे आ, चलो यूनिट्स और यहाँ पे सेल्स या प्रॉफिट ये है यूनिट्स ये है प्रॉफिट तो यूनिट्स बेसिकली इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी यूनिट्स किसी पे डिपेंड नहीं करता बट प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन यूनिट यूनिट डज नॉट डिपेंड अपऑन प्रॉफिट प्रॉफिट डिपेंड अपऑन यूनिट कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्यों बोल रहा हूं तुम्हें तो बाद में पता चलेगा ठीक है अब सिंपल सा क्रक्स देखो लेट्स <coughs> से जब इतने यूनिट से जब इतने यूनिट से तो इतना प्रॉफिट था तो ग्राफ में यहाँ पे लाइन आई ठीक है उसके बाद एक लाइन यहाँ आई एक लाइन यहाँ आई जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते रहे प्रॉफिट बढ़ता रहा बट एट अनइवन कोई स्टेडी रेट नहीं था अन रेट पर बढ़ता रहा ठीक है ये चलो मैं यहाँ तक करता हूँ कि इतने जब यूनिट्स मेरे थे तो इतना मेरा प्रॉफिट आ रहा था तो दिस इज़ अन ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ इसका एज सच कोई लिंक मत लगाना किसी फॉर्मूले से जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ से तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करने का मतलब क्या होता है अब हमें पता है कि एक तरह से ये ग्राफ ऐसे जा रहा है है ना इसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता इसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता ना तो इसके बाद का ग्राफ कैसे जाएगा जिससे हम एक फोरकास्ट कर सकें कि इतनी सेल पे इतने यूनिट्स पे अप्रॉक्सीमेट हमें इतना प्रॉफिट होगा इस ग्राफ को निकालने के हमारे जो फॉर्मुलेज हैं दोज आर दीज फोर फॉर्मूलास चलो तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं अपने फोन से दिखाता हूं कि फोरकास्टिंग फोन कैसे करते हैं इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग लेट सी हाउ फोन डू अ फोरकास्टिंग तो मैंने क्या किया एक सेकेंड आया थोड़ा सा ना अरे हाँ देखो <coughs> मैं देखता हूं अपने फोन की बैटरी 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 यूजेज अब देखो मैं तो एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे ये बैटरी ऐसे यूज़ हुई है यहाँ पे ये बैटरी ऐसे यूज़ हुई है अब अगर मैं यहाँ से बैक करूँ तो अप्रॉक्सीमेट ये मुझे बता रहा है कि एक दिन मेरा टैब और चल जाएगा अब इसने एक दिन कैसे निकाला वन डे लेफ्ट कैसे निकाला फोरकास्ट करके कैसे फोरकास्ट करा इसने इसने देखा कि मेरी बैटरी यूजेज ऐसे ऐसे होती है तो इसने अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना ली है ऐसे करके कि पूरा एक दिन बैटरी और निकाल लेगी ये सैमसंग में नहीं होता ये दूसरे जो गूगल है या एप्पल है उसमें आगे एक लाइन ड्रॉ हो जाती है कि कितना कुछ बैटरी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कितने दिन निकाल देगी सो दिस इज लाइक अ फोरकास्टिंग सो सेम फोरकास्टिंग हम द सेम थिंग वी डू इन आर कॉस्टिंग सो so कॉस्टिंग में भी हम एक फोरकास्टिंग करते हैं कि इतने यूनिट्स में हमारी इतनी इतनी सेल हो रही है तो आगे जाके हम फोरकास्टिंग कैसे करेंगे अब इसको करने के बहुत तरीके हैं जैसे ये डायग्राम है तो मैं ये डायग्राम बना देता हूँ ऐसे इट कैन बी वन ऑफ द वे दूसरा वे क्या हो सकता है कि मैं एक रैंडम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ जो बेसिकली इन सारे यूनिट्स के पास से निकल रही हो कि मतलब जो भी मेरी सेल्स वगैरह होगी वो इसके आसपास ही होगी इससे ऊपर नीचे नहीं होगी मतलब ये मेरे को पता है कि आगे जो होगी नियर बाय इस लाइन के ही होगी है ना दिस इज़ दिस इज़ फोरकास्टिंग इसके मेथड्स हमें पढ़ने हैं ये जो चारों मेथड्स हैं ये इसी चीज़ के मेथड हैं कि हम कैसे फ़ोरकास्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इतने यूनिट्स हैं इतने प्रॉफिट हैं तो आगे जाके कितने हमारे किस कितने यूनिट्स पे अप्रॉक्सीमेट कितने प्रॉफिट्स होंगे दिस इज़ फोरकास्टिंग आई होप तुम्हें फोरकास्टिंग का कॉन्सेप्ट अब समझ आ गया होगा यह चैप्टर करने में बड़ा इंटरेस्टिंग है अब बस फॉर्मुलेज लर्न करना है इसमें और कुछ नहीं है अब आता है फोरकास्टिंग इन बजटिंग तो बजटिंग बेसिकली क्या होता है वैन वी मेक बजट फॉर नेक्स्ट ईयरस कि नेक्स्ट ईयर हमें इतनी सेल करनी है नेक्स्ट ईयर इतने प्रॉफिट्स होने चाहिए हम इस साल अगर हमने एक लाख यूनिट्स बना के बेचें सेल करें तो ऑब्वियसली जब हम नेक्स्ट ईयर का बजट बनाएंगे हम सोचेंगे यार अगले साल सेल्स हमारी एक लाख बीस तो होनी चाहिए तभी तो फर्म ग्रो करेगी ना जितने जितने यूनिट्स पड़ते रहेंगे वैसे वैसे फर्म फर्म ग्रो करेगी सो फोरकास्टिंग इन बजटिंग अब हम कैसे फोरकास्ट करें कि पिछले पांच सालों में हमारी इतनी सेल हुई है तो अगले साल कितनी होनी चाहिए सो बजट्स आर बेस्ड ऑन फोकास्ट फोकास्ट माइट बी प्रिपेयर फॉर द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड सेल्स सेल्स रेवेन्यू मतलब सेल वॉल्यूम कितनी है सेल प्राइस क्या है और मे बी फॉर कॉस्ट द पर्पज ऑफ फोरकास्टिंग इन बजटिंग प्रोसेस इज टू एस्टैब्लिश रियलिस्टिक्शन फॉर प्लानिंग फोरकास्टिंग माइट ऑल्सो बी प्रिपेयर ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ फीड फॉरवर्डिंग कंट्रोल रिपोर्टिंग प्रिडिक्शन ऑफ अ फाइव परसेंट ग्रोथ इन सेल वॉल्यूम और रेवेन्यू Similarly, budgeted expenditure might also be forecasted using a simple incremental budgeting approach by adding a percentage amount of inflation on the top of previous year's budget. मतलब अगर हमारे total sale जैसे मैंने बताया था वन lakh है और total cost हमारी ninety thousand आई है तो हर साल जैसे खर्चों का value बढ़ती है खर्चों के जैसे हमें पता है हर साल खर्चे कुछ परसेंटेज में इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम इस कॉस्ट को उन परसेंटेज से इनक्रीज़ कर देंगे अगले साल के लिए बजट करने के लिए और सेल्स हमने बजट कर लिया कि हमें सेल्स वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड करनी है तो वन लाख ,00 पे हमारी इतनी कॉस्ट थी वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड पर कितनी कॉस्ट होगी फिर अगर ये तो नहीं है ना कि अगर एक भी सेल करेंगे तो कॉस्ट भी तो ज़्यादा आएगी ना तो वन लाख ट्वेंटी के लिए कितनी कॉस्ट थी और उस कॉस्ट में ये आज की कॉस्ट है तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंटल लगा देंगे क्योंकि अगले साल चीजों के रेट बढ़ेंगे तो वो सारी चीजें ज्यादा डिटेल में नहीं करना फॉर्मुलस जब पढ़ेंगे उन सब में यही चीजें हमें पढ़नी है डिटेल में <coughs> तो अभी सिर्फ समझने के लिए ऑन दी अदर हैंड फोरकास्ट माइड बी प्रिपेयर यूजिंग अ नंबर ऑफ फोरकास्टिंग मॉडल्स मेथड्स और टेक्निक्स दैट लुक टू कैलकुलेट ट्रेंड्स एंड वेरिएशन ओवर प्रीवियस ईयर्स द रीज़न फॉर यूजिंग दीज मॉडल्स एंड टेक्निक्स इज़ दैट दे माइट प्रोवाइड मोर रिलायबल फोरकास्ट ये जो फोरकास्ट है ये सेल्स पाँच परसेंट बढ़ा दो ये शायद इतनी एक्यूरेट नहीं है क्योंकि हमने अपने हिसाब से सोचा पाँच परसेंट बढ़े बट बड़ अगर पिछले चार पाँच सालों में हमारी सेल दो, -दो परसेंट ही बढ़ रही है कभी दो कभी एक कभी डेढ़ कभी तीन तो एकदम से तो पाँच बढ़ ही नहीं सकती तो वहाँ ये चीज़ बजटिंग नहीं चलेगी वहाँ पे फोरकास्टिंग चलेगी कि हम पिछला ट्रेंड देखेंगे कि नॉर्मली अप्रॉक्सीमेट टू वन पॉइंट फाइव टू पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री इतनी सेल्स बढ़ रही है तो ठीक है फिर आगे जाके भी हमारी सेल्स अगले साल हम थोड़ा सा बढ़ा के टू पॉइंट फाइव परसेंट कर लेते हैं दिस इज़ हमारा फोरकास्टिंग मॉडल The reason for using these models and techniques is that they might provide more reliable forecast. The so, possible forecasting techniques, high-low method, ये हम already पढ़ चुके हैं। High-low method कैसे? हमने high-low method में पढ़ा था ना? हमने fixed cost निकाल दी थी, variable cost निकाल दी थी। अब जितने भी units हमारे आगे बनते रहेंगे, सीधा सा formula क्या था? Total cost का, if you remember, total cost was fixed cost plus units into variable cost. अब अगर हमें हमारे यूनिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए यूनिट्स और ज़्यादा हो गए तो हम अप्रोक्सीमेट टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट टोटल कॉस्ट आगे इतनी होगी जैसे हमें दो पता है कि 600 पे इतनी थी 700 पे हमारी इतनी इतनी कॉस्ट थी तो 800 पे पर कितनी होगी वो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 800 सौ यूनिट्स हमें पता है फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाल ली थी तो टोटल कॉस्ट हमारे अकॉर्डिंग आठ सौ पे इतनी होगी अप्रॉक्सीमेट दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फोरकास्टिंग हम कर चुके हैं लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस हमें टाइम सीरीज एनालिसिस इंडेक्स नंबर सारा पढ़ना है तो यह हाईलो मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं निकालने का ये तीन मेथड हमें आगे और करने ठीक है यह सिंपल थ्योरी है इसको पढ़ लेना नॉट रिलेटेड टू एग्जाम और अंडरस्टैंडिंग नाउ कम्स रिग्रेशन एनालिसिस अब रिग्रेशन एनालिसिस ज़्यादा डिटेल में ये रिग्रेशन का मतलब क्या है ये क्या है आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड फॉर योर एट योर एंड तुम्हें सिर्फ इसका जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए कि रिग्रेशन एनालिसिस का फॉर्मूला ये है दूसरे का ये है इसका ये है दैट इज मोर देन सफिशियंट विच इज रिक्वायर्ड एट योर एंड फॉर द टाइम बिंग ठीक है तो इसको मैं अभी छोड़ रहा हूं इट्स नॉट रिक्वायर्ड आगे हम यहां से स्टार्ट करते हैं लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन एनालिसिस तो रिग्रेशन एनालिसिस फाइंड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट कॉम्पिटिशन राधर देन एस्टिमेटिंग लाइन ऑफ स्कैटर डायग्राम ये भी क्या बोल रहा है बेसिकली कि अगर हमारे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं तो लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन एनालिसिस एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता है जो बेसिकली इन सारी लाइन्स के पास से गुजर रही हो सारी लाइन्स के पास से गुजर रही हो ताकि आगे का हमें एक फोरकास्ट मिल जाए तो दिस इज लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन एनालिसिस अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बड़ा खतरनाक सा फॉर्मूला बट सिंपल है खतरनाक सा फॉर्मूला है सिंपल है फॉर्मूला इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना हाई लो मेथड में टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू यूनिट्स ये पढ़ा था ना हमने तो काइंड ऑफ मेथड वैसा ये है तो जैसे वाई इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल टोटल कॉस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन यूनिट्स वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल तो मैं इसको वाई बोल देता हूँ फिक्स कॉस्ट को मैं ए बोल देता हूँ वेरिएबल कॉस्ट को मैं बी बोल देता हूँ और एक्स को मैं बोल देता हूँ यूनिट्स तो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल ए इज़ अ इंटरसेप्ट ए इज़ अ इंटरसेप्ट बी इज अ ग्रेडियंट एंड एक्स इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे लिए ये दोनों सिर्फ नंबर्स हैं जितनी वैल्यू देखो पॉइंट इज ना ये वैल्यू कभी चेंज होगी ना ये चेंज होगी एक बार हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया फिक्स कॉस्ट निकाल लिया तो हम अज्यूम करेंगे कि फ़िक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम रहेगी तो हर जगह चेंज क्या होगा यूनिट्स और टोटल कॉस्ट अब यूनिट्स और टोटल कॉस्ट में दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसका कोई रिलेशन नहीं है टोटल कॉस्ट से बट टोटल कॉस्ट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल जितने यूनिट चेंज होंगे उतनी टोटल कॉस्ट चेंज होती रहेगी फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को हम सिंपल <coughs> कुछ नहीं बोलते तो दीज आर इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस इज ग्रेडियंट कुछ नहीं करना कोई जरूरत नहीं है इसकी ए प्लस बी बाद में बताऊंगा ठीक है और हमारे को जैसे फिक्स कॉस्ट भी निकालनी पड़ती थी ये भी निकालनी पड़ती थी तो अगर हमें डिटेल दी होगी जब हमने टोटल कॉस्ट ये जो मेथड हमने यूज किया था हाई लो मेथड यहां पे भी हमने फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी जैसे हमें दिया हुआ है कि 600 यूनिट पे हमारा 5000 खर्चा है एग्जांपल हो सकता है आंसर ना आए 800 यूनिट पे हमारा 8000 खर्चा है एग्जांपल जस्ट जस्ट एन एग्जांपल तो इन दोनों वैल्यू से हमने पहले फिक्स कॉस्ट निकाली देन वेरिएबल कॉस्ट निकाली देन हमने देखा कि 800 यूनिट पे हमारा फिक्स कॉस्ट कितना था वेरिएबल कितना था 600 पे कितना था और अगर आगे हज़ार यूनिट्स होंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी सेम वे हमने यहाँ से फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी यहाँ पे इस मेथड में हम फिक्स और वेरिएबल इसको हम फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट नहीं बोलेंगे इसको हम बोलेंगे ए इज़ अ इंटरसेप्ट बी इज़ अ ग्रेडियंट जो हमें वैल्यूज निकालनी है जैसे फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट सो द फार्मूला इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वेयर वाई इज़ टोटल कॉस्ट एक्स इज यूनिट्स डिपेंडेंट इनडिपेंडेंट ये दोनों वैल्यूज हमें निकालनी है तो हमें एक तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसका फार्मूला होता है एक इसका फॉर्मूला होता है बस ये दोनों फॉर्मूलेज हमारे निकल जाएंगे तो जितना यूनिट से बढ़ता रहेगा उतना ही चेंज होता रहेगा <coughs> तो सबसे पहले ए का फॉर्मूला क्या होता है ए का फार्मूला होता है वाई मीन चलो पहले ये छोड़ते हैं पहले आता है बी का फॉर्मूला सो so, बी का फॉर्मूला होता है एन एन मीन्स जितने भी नंबर ऑफ हमें यूनिट्स दिए हुए हैं मैं चलो एक काम करता हूँ मैं ना यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखता हूँ जैसे ये क्वेश्चन है मैं एक काम करता हूं गाइज इस क्वेश्चन को एज इट इज वहां लिखता हूं जस्ट गिव मी वन सेकेंड ये लो ये सारी मैंने वैल्यूज यहां पे लिख दी अब क्या होगा सो so, सबसे पहले मैंने बताया था हमें ए और बी निकालना होता है तो बी सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यानी जैसे वेरिएबल कॉसि वैसे ही हम सबसे पहले बी कैलकुलेट करेंगे बी का फॉर्मूला होता है एन एन मतलब नंबर एक दो तीन चार पांच छ ये छ वैल्यूज हमें गिवन है तो सिक्स दिस इज सम दिस इज कॉल्ड सम सम सम्स इंटू वाई सम ऑफ एक्स इंटू वाई मतलब हम क्या करेंगे अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा x क्या होता है y क्या होता है मैंने बताया था y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और सेल्स रेवेन्यू अब यहाँ से सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सेल्स बट सेल्स इज डिपेंडेंट अपॉन एडवर्टाइजिंग जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगी उतनी ज़्यादा सेल होगी ऑफकोर्स तो दिस इज अ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड दिस इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई अब हमारा फॉर्मूला है ये सबसे पहले नंबर इंटू एक्स वाई का सम तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इन सबको मल्टीप्लाई मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ गाइस एग्जाम में तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना एग्जाम में ये सारी वैल्यूज एक्स वाई का सम ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज दिस फॉमुला तुम्हें सिर्फ ये फार्मूला रिवाइज करना है ये वैल्यूज तुम्हें ऑलरेडी गिवन होंगी क्वेश्चन में ठीक है तुम्हें सिर्फ ये फार्मूला रिवाइज करना है दैट्स इट तो एन इंटू समू वाई दैट मीन्स जो भी मेरी ये वैल्यू आएगी इसका जो सम होगा दिस विल बी कॉल्ड सम ऑफ एक्स इंटू वाई एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दिया जो वैल्यूज आई उसका सम विल बी कॉल्ड एक्स इंटू वाई एंड मीन्स यहां पर हो जाएगा सिक्स ठीक है अब है सम ऑफ एक्स एंड सम ऑफ वाई अब सम मतलब इसका जो टोटल होगा दिस विल बी कॉल्ड सम ऑफ एक्स this will be called sum of y this will be called sum of x this will be called sum of y ठीक है तो sum of x into sum of y तो sum of x into sum of y guys ये मत बोलना कि sir ये वाली वैल्यू और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम ही आएगा ऐसा नहीं होता ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है कि इसका सम करके इसका सम करके इन दोनों को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी ऐसा नहीं होता मैथ्स तो रैंडम फिगर्स उठा के देख लो कभी मैच नहीं करेगा तो एक हमारा क्या बन गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी दैट इज सम एक्स इंटू वाई देन एक्स का सम वाई का सम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सम एक्स इंटू सम वाई ठीक है अब ऊपर वाली चीजें पता चल गई नीचे है एन इंटू समय मतलब n यानी सिक्स इंटू इसका स्क्वेयर इंटू समर माइनस <coughs> सम एक्स <coughs> नहीं सॉरी 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 गाइस मैं गलत बोल गया इसमें सॉरी 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 यहां पे जो ये है हालांकि तुम्हें इतना डिटेल में इसको जानने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होंगी बट स्टिल तो पता होना चाहिए ये जो फॉर्मूला है सम एक इसमें एक का सम है। means, मैं तुम्हें यहां लिखता हूं ये जो वैल्यू है दैट मीन्स एक्स के स्क्र का सम मतलब इन सब का हम स्क्र करेंगे इन सब का स्क्वेयर करेंगे वो जो वैल्यू आएगी इसका जो सम होगा दिस विल बी कॉल्ड एक्स स्क्वेयर सम ऑफ एक्स स्क्वायर के एक्स का स्क्वायर करा उसका सम ये वाली वैल्यू एंड दिस इज जो भी हमारा एक्स पूरे का सम आया था मतलब स्क्वायर करने से पहले जो ये वैल्यू थी इसको होल टुगेदर स्क्वायर इन दोनों वैल्यूज में फर्क क्या है देखो गाइस अगर मैं ये बोलता हूं दिस और दिस इसका मतलब क्या है कि एक्स का सिंपल ये स्क्वायर हटा हटा के अगर मैं हटा इसको, मैं इसको इसको हटाता हूं पहले इट सिंपली मींस ये जो टोटल आ रहा है इसका स्क्वायर और सम एक्स स्क्वायर मतलब कि इन सबको पहले मैंने स्क्वायर किया और वो जो वैल्यू आई उस वैल्यू को मैंने टोटल कर दिया दैट इज स्क्वायर तो हमारा बी का फॉर्मूला क्या बन गया बी <coughs> का हमारा फॉर्मूला है एन इंटू वाई ये वाली वैल्यू माइनस सम एक्स इंटू सम वाई एन इंटू सम एक्स इंटू वाई एक्स इंटू वाई करके उसका स्क्वायर माइनस सम एक्स इंटू सम वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू सम एक्स स्क्वेर माइनस सम एक्स होल स्क्वेयर माइनस सम एक्स होल स्क्वेयर सो सिंपल जब फॉर्मूला याद करने का तरीका ऊपर आ जाएगा एन शॉर्टकट बताता हूँ अगर कहीं पर लिखना हो एन एक्स वाई माइनस एक्स वाई ठीक है पहले एन एक्स वाई माइनस ये और नीचे एन सम एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर तो तीन चार बार ये फॉर्मूला जब हाथ से लिख लोगे ये फॉर्मुला तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा बहुत सिंपल है दो से तीन बार लिख लो ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा ठीक है इससे क्या निकलेगा हमारा b कौन सी वैल्यू ये वाली वैल्यू अब b निकल गया अब हमें निकालना है a का फॉर्मूला क्या होता है a का फॉर्मूला होता है वाई का मीडियन वाई मीन ऑफ वाई माइनस बी इंटू मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई और मीन ऑफ एक्स इसका बेसिकली मतलब क्या होता है मिडल वैल्यू जैसे अगर मैं बोलूं टेन नाइन एट सेवन सिक्स तो इस पूरे डेटा की मिडल वैल्यू क्या होगी यहाँ से तो हमें दिख रहा है एट है ना लेकिन अगर ये रैंडम फिगर्स होती ये तो मैंने सीक्वेंस में बताया है. अगर ये रैंडम फिगर होती सेवन फाइव टू तो हम क्या करते इन सब का टोटल और उसको कर देते डिवाइड बाय फाइव तो हमारा आ जाता है इसकी मिडल वैल्यू इस सारे डेटा की मिडल वैल्यू तो ए इज इक्वल टू मीन ऑफ वाई माइनस मीन ऑफ एक्स सिंपल या तो बोल सकते हैं टोटल ऑफ वाई अपॉन एन टोटल ऑफ वाई जो भी आए अपॉन एन तो इसकी मिडिल वैल्यू आ जाएगी माइनस बी इंटू जो भी बी हमारा आएगा टोटल ऑफ एक्स अपॉन एन यहाँ से निकल जाएगा हमारा ए और हमारी फिर ये y इज इक्वल टू ए ए हमारी वैल्यू निकल जाएगी b हमारी वैल्यू निकल जाएगी और ये हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी तो जो जो वैल्यू ऑफ x आएगी वैसे वैसे हमारा y आता रहेगा ठीक है तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है तुम्हें फॉमूला याद करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा अब एक काम करते हैं अब एक क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन करोगे समझ आ जाएगा सब देखो ये क्वेश्चन है हमें इसमें चीज़ें दी हुई हैं काफ़ी हालांकि इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ हमें सॉल्व करना पड़ेगा ये सेम क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है द सम ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज़ फोर फिफ्टी तो ये दिया हुआ है फोर फिफ्टी द सम ऑफ सेल्स रेवेन्यू इज़ फोर ज़ीरो फाइव जीरो वेन टू कॉलम्स आर मल्टीप्लाईड टूगेदर एंड सम एक्स वाई इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है थ्री टू सिक्स फाइव डबल जीरो और हमें दिया हुआ है वेन एडवरटाइजिंग एक्सपेंडिचर इज स्क् एंड सम द टोटल इज दिस जब इसका हमने स्क्वेयर कर लिया मतलब एट्टी का स्क्वायर सिक्सटी का स्क्वायर ये और उसका हमने सम कर लिया तो वो हमें वैल्यू दी है थ्री एट थ्री डबल जीरो दिस इज डेल्टा एक्स ओ सॉरी सम ऑफ एक्स स्क्र ठीक है सम ऑफ एक्स स्क्वायर हमें पता चल गया सम ऑफ एक्स पता चल गया सम ऑफ वाई पता चल गया ये दिया हुआ है सम ऑफ एक्स वाई सम ऑफ एक्स एंड सम ऑफ वाई अब हमारा फॉर्मूला क्या था सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे एन <coughs> सॉरी तो हमारा फॉर्मूला क्या था एन इंटू एक्स वाई हमें पता चल गया एन है हमारा सिक्स तो सिक्स इंटू थ्री टू सिक्स फाइव डबल जीरो माइनस सम ऑफ़ एक्स इंटू सम ऑफ वाई सम ऑफ एक्स इज फोर फिफ्टी सम ऑफ वाई इज़ फोर जीरो फाइव जीरो तो फोर फिफ्टी इंटू फोर जीरो फाइव जीरो ठीक है सिक्स इंटू थ्री टू सिक्स फाइव डबल जीरो माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन यानी सिक्स इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर ये हमारा आया था थ्री एट थ्री डबल जीरो माइनस सम ऑफ एक्स हमारा था 450 और इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर दिस इज दिस एंड टोटली डिफरेंट ये दोनों डिफरेंट होते हैं तो एक बार कर लेते हैं सिक्स इन टू थ्री टू सिक्स फाइव डबल जीरो दिस इज वन नाइन फाइव नाइन या मैं सीधा सीधा इसका आंसर निकाल रहा हूँ तुम भी अपने कैलकुलेटर पर इसका आंसर निकालना एक बार मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ एक साथ फोर फिफ्टी Into four zero five zero, this is one eight two two five double zero six into three two six five double zero one nine five nine triple zero minus six into three eight three double zero two two nine eight double zero minus four fifty into two oh sorry four fifty into four fifty फिफ्टी स्क्वायर टू जीरो टू फाइव डबल ज़ीरो सो वन नाइन पहले न्योमिनेटर लिख देते हैं डिनोमिनेटर सॉरी टू टू नाइन एट डबल जीरो माइनस टू ज़ीरो टू फाइव डबल ज़ीरो टू सेवन थ्री डबल ज़ीरो वन नाइन फाइव नाइन ट्रिपल ज़ीरो वन एट टू टू फाइव डबल ज़ीरो वन थ्री सिक्स फाइव डबल ज़ीरो डिवाइडेड बाय टू सेवन थ्री डबल ज़ीरो सो मेरा ए आ रहा है फाइव ए क्या आ रहा है मेरा फाइव तो जो मेरी इक्वेशन थी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स मेरा ए क्या निकल गया ओ सॉरी 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 बी बी मेरा क्या आ गया फाइव तो बी मेरा फाइव आ गया अब ए का फॉर्मूला क्या था ए निकालने का फॉर्मूला था ए का फॉर्मूला था समाई डिवाइड बाई n माइनस बी इंटू सम ऑफ एक्स अपॉन एन यही था फॉर्मूला यही था ना तो मैं ये रब कर रहा हूँ अभी एक्स वाई की जरूरत नहीं है अब तो ए इज इक्वल टू सम ऑफ वाई फोर ज़ीरो फाइव जीरो डिवाइड बाई सिक्स माइनस बी हमारा है फाइव इंटू सम ऑफ एक्स फोर फिफ्टी डिवाइड बाई सिक्स तो फोर जीरो फाइव जीरो डिवाइड बाई सिक्स इज इक्वल टू सिक्स सेवेंटी फाइव माइनस फोर फिफ्टी डिवाइड बाई सिक्स इंटू फाइव दिस इज थ्री सेवेंटी फाइव तो सिक्स सेवनटी फाइव माइनस थ्री सेवनटी फाइव ये मेरी वैल्यू आ रही है थ्री हंड्रेड सो ए आ रहा है मेरा थ्री हंड्रेड सो इक्वेशन क्या बन गई मेरी मैं यहां इक्वेशन लिखता हूं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है a है 300 हंड्रेड प्लस बी हमारा है फाइव इंटू एक्स ये हमारी बन गई इक्वेशन मतलब जितना जितना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर x यहाँ पे वैल्यू डालते रहेंगे उससे हमारी अप्रॉक्सीमेट सेल्स की फिगर आती रहेगी तो जैसे जैसे हम एक्सपेंडिचर ही डालते रहेंगे वैसे वैसे हमारी ये वैल्यू आती रहेगी अब तुम बोलोगे कि सर लेट्स डू वन थिंग यहाँ पे हम कोई भी एक फिगर डालते हैं जैसे 90 डालते हैं तो क्या 90 डालेंगे तो 750 आएगा नहीं 750 फिफ्टी एग्जैक्ट नहीं आएगा हो सकता है वैल्यू ऊपर नीचे आ जाए हो सकता है सेम भी आ जाए बट अप्रॉक्सीमेट इसके आसपास होगी मैंने क्या बताया था हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो पॉइंट्स के बिल्कुल आसपास होती है एग्जैक्ट वो नहीं हो सकती तो यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं चलो नाइन्टी वाली वैल्यू तो अगर एक्स नाइन्टी है तो वाई इज़ इक्वल टू थ्री हंड्रेड प्लस फाइव इंटू नाइन्टी तो नाइन फाइव 45 फोर्टी फाइव फोर फिफ्टी प्लस थ्री हंड्रेड अरे वाई तो सेवन फिफ्टी आ गया ये तो एक्जैक्टली exactly मैच कर गया इससे ये तो एक्जैक्ट फिगर आ गई वेरी गुड सो दैट मीन्स ये हमारी फोरकास्टिंग टेक्निक बड़ी सही है अब अगर मैं एक्सपेंडिचर अपना वन फोर्टी कर देता हूँ जैसे अभी वन ट्वेंटी हुआ है अगर मैं इसको वन फोर्टी कर देता हूँ तो मेरा एक्सपेंडिचर जो आएगा दैट विल बी नियर बाय वैल्यू ठीक है अब तुम कहोगे सर क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू कोई भी डालेंगे तो आंसर यही आएगा मैं कहूँगा नहीं ये तो किस्मत की बात थी नाइन्टी में मैच कर गया एक काम करते हैं एक बार वन ट्वेंटी वाला टैली करते हैं कि अगर हम y इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड प्लस फाइव इंटू वन ट्वेंटी करते हैं ये क्या वैल्यू आएगी तो वाई आ जाएगा फाइव ट्वेंटी वन ट्वेंटी इंटू फाइव सिक्स हंड्रेड प्लस थ्री नाइन हंड्रेड तो हमारा एक्चुअल आंसर है एट एटी यहाँ है नाइन हंड्रेड दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट नाइन हंड्रेड हमारा टोटल एक्सपेंस टोटल सेल्स होगी विच इज नियर बाय एट एटी तो यही मैंने तुम्हें ग्राफ में बताया था कि जो हम लाइन बनाते हैं दिस इज नियर बाय द एक्चुअल ताकि ताकि कर सके। so, ये तुम्हें फॉर्मूला याद करना है हो सकता है पहली में तुम्हें formula ना याद हो आई को दो से तीन बार देखो इस पार्ट को ताकि तुम्हें फॉर्मूला लर्न हो जाए मुश्किल नहीं है फॉर्मूला ऑल यू हैव टू लर्न इज दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला बस और अच्छी बात क्या है कि क्वेश्चन में तुम्हें सारा कैलकुलेट नहीं करना मोस्टली तुम्हें सारी वैल्यूज जैसे यहां गिवन थी वैसे गिवन होगी ठीक है आगे देखते हैं एक बार क्या इन्होंने भी यही इक्वेशन निकाली हुई ये इंटरप्रिटेशन है एक बार इंटरप्रिटेशन भी पढ़ लेते हैं सो so, इफ x इज इक्वल टू 0 मतलब अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हम 0 करेंगे तब भी y इज इक्वल टू 300 मतलब हमारी जो सेल है वो 300 से बढ़ती रहेगी और जितना हम 1x एक बढ़ाएंगे तो पाँच से हमारा वाई बढ़ेगा कैसे वाई इज इक्वल टू तीन सौ प्लस फाइव एक्स अगर ये जीरो है तो कॉस्ट कितनी तो टोटल सेल्स कितनी होगी तीन सौ अगर हम एक एक्सपेंडिचर करते हैं तो तीन सौ प्लस फाइव दो एक्सपेंडिचर करते हैं तो तीन सौ प्लस टेन थ्री करते हैं तो तीन सौ प्लस पंद्रह सो दैट मीन्स ईच टाइम एक्स इंक्रीज बाय वन वाई विल इंक्रीज बाय फाइव एक्स को अगर हम वन से इंक्रीज करें तो वाई विल इंक्रीज बाय फाइव इसका मतलब क्या है जो भी हमारा ए आता है ओ सॉरी जो भी हमारा बी आता है एक वैल्यू इंक्रीज करने से बी की वैल्यू उतने से बढ़ जाती है सिंपल फाइव एक्स है तो अगर ये दो हो गया तो टेन तीन हो गया तो पंद्रह चार हो गया तो बीस सिंपल है गाइस आगे बिजनेस इंटरप्रिटेशन अब मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन तो मैंने तुम्हें बता दी अब बिजनेस की इंटरप्रिटेशन क्या बोलती है इफ नो मनी इज स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग देन सेल वुड स्टिल बी थ्री हंड्रेड एंड फॉर एवरी एडिशनल वन डॉलर इंक्रीज इन एडवर्टाइजिंग सेल रेवेन्यू वुड इंक्रीज बाय फाइव डॉलर मतलब पांच डॉलर से हमारी सेल इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी अगर हम एक रुपए का एक्सपेंडिचर करते हैं तो इससे एक बिजनेसमैन को क्या समझ आता है वॉट विल बिजनेस मैन अंडरस्टैंड कि यार अब इसके हिसाब से ही विल एनालाइज कि उसको कितना एक्सपेंडिचर एकस्पे, करना है एडवर्टीजमेंट का क्योंकि पुरानी सारी डिटेल से अभी तक जो हमने एक्सपेंडिचर करा है उससे फोरकास्ट करके हम ये निकाल सकते हैं कि भाई अगर हम एक रुपए का एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमारी सेल्स पांच रुपए से बढ़ेगी और तीन सौ तो सेल होगी ही हो होगी चाहे एडवर्टीजमेंट करें चाहे नहीं करें अब देख लो आगे क्या करना है कितने एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर करना है ठीक है अब आता है लीनियर रिग्रेशन इन बजटिंग अब जो हमने पढ़ा है इन बजटिंग कैसे कर सकते हैं लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस कैन बी यूज टू मेक फोकास्ट और एस्टिमेट्स वेन एवर लीनियर रिलेशनशिप इज अज्यूम मतलब दो वेरिएबल एक फिक्स और एक होता है डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट और हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है जो हमें दी हुई थी एडवर्टीजमेंट और सेल पुरानी पहले हो चुकी है वो डिटेल गिवन है तभी हम आगे का फोरकास्ट कर सकते हैं एक तो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है और हिस्टोरिकल डेटा गिवन है द रिग्रेशन इक्वेशन कैन बी यूज फॉर प्रोडिक्टिंग वैल्यूज ऑफ वाई फ्रॉम गिवन एक्स वैल्यूज इफ एक्स इज विद इन द रेंज ऑफ आर ओरिजिनल डेटा द प्रोडिक्शन इज नोन टू बी इंटरपोलेशन इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज आउटसाइड द रेंज ऑफ आर डेटा द प्रोडिक्शन इज नोन एज एक्स्ट्रा पोल्यूशन इसका मतलब क्या है इस जैसे हमारे को ये सारे पॉइंट्स की बनते और हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली मतलब हमने जो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स निकाल दिया वो हमारी ये लाइन आ रही है ये लास्ट वैल्यू हमें गिवन थी दिस वाज द लास्ट वैल्यू अब इसके आगे की जो लाइन है दिस इज़ फोरकास्टिंग सो पॉइंट इज अगर मैं जो क्वेश्चन में x की वैल्यू डाल रहा हूँ जैसे इस क्वेश्चन में मैंने x की वैल्यू वन ट्वेंटी डाली थी नाइन्टी डाली थी जब नाइन्टी बावन फिफ्टी आ गया था अगर मैं इंटरनल वैल्यूज जो डेटा हमें हिस्टोरिकल गिवन है वही वैल्यूज डाल के अगर मैं आंसर निकाल रहा हूँ कि क्या मेरा अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है एज पर दैट ट्रेंड तो दैट विल बी कॉल्ड इंटरपोलेशन इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज़ विद इन द रेंज ऑफ आर ऑरिजिनल डेटा ऑरिजिनल डेटा जो हमें गिवन था उसमें से अगर मैं एक्स की वैल्यू डालता हूँ तो दैट इज़ इंटरपोलेशन इंटरपोलेशन का एक और मतलब क्या हो सकता है टू फाइंड आउट कि एज पर ट्रेंड उस वैल्यू पे उस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे टोटल कितनी सेल्स होनी चाहिए थी एज पर ट्रेंड दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन इज कि मैं आगे की फोरकास्ट करके बता रहा हूँ कि एज पर दिस ट्रेंड आगे जब मैं इतना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करूँगा तो कितनी सेल्स अप्रॉक्सीमेट होगी दैट इज एक्सट्रापोलेशन डेटा के अंदर से जब मैं वैल्यूज रैंडम निकालने की कोशिश करता हूँ दैट इज़ इंटरपोलेशन एंड अगर आउटसाइड निकालता हूँ तो एक्स्ट्रा पोल्यूशन इन जनरल इंटरपोल इज मच सेफर देन ऑफकोर्स क्योंकि ये डेटा हमें गिवन है हम चेक कर सकते हैं कि ऑलरेडी कितनी आई है और इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है लीनियर रिग्रेशन कैन ऑल्सो भी यूज टू स्टैब्लिश ट्रेंड लाइन फ्रॉम टाइम सीरीज टाइम सीरीज एक्सप्लेन लेटर चलो ये तो छोड़ो तो बात की बात है हाई लो मेथड में तो हमें पता ही ये लीनियर रिग्रेशन हाई लो मेथड में हम यूज करते थे कैसे हम उसमें एक्स निकालते थे टोटल कॉस्ट मैंने बताया था वाई निकालते थे डिपेंडेंट वेरिएबल ए इज़ फिक्स कॉस्ट और बी इज़ वेरिएबल कॉस्ट ये मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो लीनियर रिग्रेशन इन्होंने मैथमेटिकल मेथड बताया है ये हम कॉस्टिंग के मेथड से ऑलरेडी कर चुके हैं हाई लो मैथड में उसमें हमने कॉस्टिंग टेक्निक यूज की थी यहां पे हमने मैथ्स यूज़ किया सिंपल ये हमने सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकाली है ये वाली वैल्यू और वहां पे हमने हाईलो मेथड से निकाली थी ऐसा हमारा टाइम सीरीज में भी आता है इसको हमने आगे पढ़ना है ठीक है सो अ लीनियर रिलेशनशिप इज आइडेंटिफाइड एंड क्वान्टिफाइड यूजिंग लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर ऑप्टेड एंड दीज कैन बी यूज टू मेक अ फोकस फॉर द बजट एग्जाम्पल्स सेल बजट आगे कितनी होगी कॉस्ट कितनी होगी कि इस एक्टिविटी पे इतनी कॉस्ट थी आगे अगर हम टोटल इस लेवल ऑफ़ एक्टिविटी पे जाएंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी सो वी कैन फाइंड आउट डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मेथड अब इसमें एग्जाम्पल है टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वन तो यहाँ पे हमें निकालना है हमें प्रोडक्शन लेवल दिया हुआ है प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है सो ऑब्वियसली प्रोडक्शन लेवल इज इंडिपेंडेंट यानी ए और प्रोडक्शन कॉस्ट इज सॉरी दिस इज एक्स और प्रोडक्शन कॉस्ट इज वाई ठीक है हमें यहां वैसे लिखा हुआ है देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हमें वैल्यूज गिवन है तो हमें इसमें निकालना है यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस टू आइडेंटिफाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी बी मंथली फिक्स कॉस्ट यानी ए हमें बी और ए निकालना है तो बी का हमारा फॉर्मूला क्या था गाइस बी का फॉर्मूला क्या था सम एक्स वाई माइनस एक्स वाई अपॉन दिस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स होल स्क्वायर सिंपल ये फॉर्मूला है गाइस कोई मुश्किल नहीं है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला ठीक है दो तीन बार करोगे याद हो जाएगा अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स वाई हमें दिया हुआ है दिस तो वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स इंटू एक्स वाई वन सिक्स सेवन सेवन टू टू ज़ीरो माइनस सिक्स वन सेवन इंटू वन सिक्स टू टू ज़ीरो अपॉन सिक्स एक्स स्क्वेयर है सिक्स थ्री एट फाइव नाइन माइनस सम एक्स सिक्स वन सेवन होल स्क्वायेर बस यहाँ से हमारी वैल्यू पी की आ जाएगी ठीक है तो बी की वैल्यू तुम निकालोगे इससे उसके बाद ए की वैल्यू ए का फॉर्मूला क्या था हमारा ए वॉज वाई अपॉन एन y अपॉन एन माइनस बी अपॉन एन अपॉन एन माइनस बी अपॉन एन वहां से एक की वैल्यू निकल जाएगी और इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन जुलाई प्रोडक्शन विल बी 120 यूनिट्स एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ जुलाई प्रोडक्शन एंड कमेंट ऑन दूरेसीस्टिमेट अब हमें जब ये वैल्यू निकल जाएगी चलो मैं क्वेश्चन कराई देता हूँ तुम्हें पहले हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं गाइज कैलकुलेट करके तो सीधा सीधा आंसर निकाल लेते हैं तो गाइज हमें जब यह वैल्यू आई है तो फाइव 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 एट जीरो डिवाइड बाई टू फोर सिक्स फाइव दिस इज ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव फोर सो ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव फोर मेरा आ गया बी अब ए निकालते हैं तो सम ऑफ वाई यानी वन सिक्स टू टू जीरो डिवाइड बाई सिक्स माइनस ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव फोर इंटू बाय बायस तो मेरा बी आ गया ये ए मेरा आ जाएगा जस्ट मैं ये भी निकाल देता हूँ वन सेकेंड ये मेरा आया थ्री एटी फाइव पॉइंट फोर सेवन तो ए मेरा आ गया थ्री एटी फाइव पॉइंट फोर सेवन बी आ गया ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव फोर तो बी मेरा आ रहा है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव फोर ए मेरा आ रहा है थ्री एटी फाइव पॉइंट फोर सेवन हो सकता है आंसर में और मेरे में पॉइंट्स का फर्क आ जाए क्योंकि वो कई बार टू से ज़्यादा पॉइंट्स में ले जाते हैं मैं नहीं लेके जाता तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई वाई इज इक्वल टू थ्री एटी फाइव पॉइंट फोर सेवन प्लस ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव फोर एक्स ये हमारी इक्वेशन बन गई अब व्हाट इज़ इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इन जुलाई प्रोडक्शन विल बी 120 ट्वेंटी यूनिट्स वन ट्वेंटी यूनिट्स का देखना है तो वाई इज़ इक्वल टू थ्री एटी फाइव पॉइंट फोर सेवन प्लस ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव फोर वन ट्वेंटी तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट वन ट्वेंटी यूनिट्स पर कितनी होगी तो मैं निकाल लेता हूँ इसको प्लस ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव फोर इंटू वन सो माई आंसर इज कमिंग वाई का थ्री जीरो सो दैट मीन वेन प्रोडक्शन विल बी वन ट्वेंटी तो अप्रोक्सीमेट प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी थ्री जीरो नाइन जीरो ठीक है सो दिस इज टू दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द आंसर तो मुश्किल नहीं है सिर्फ फॉर्मुला लर्न करना है बच्चों को स्टार्टिंग स्टार्टिंग में खुद पढ़ने में प्रॉब्लम होती है कि क्या फॉर्मुला है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा बहुत ईजी है सिंपल मैथ्स है गाइस अब आगे बेनिफिट्स ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन रिग्रेशन इसके बेनिफिट्स क्या हैं सिंपल एंड ईजी टू यूज़ लुक्स एट बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा कैन बी यूज टू फोकस एंड टू प्रोड्यूस बजट्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट लीनियर रिग्रेशन कैलकुलेशन शुड बी रेडिली अवेलेबल कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम ऑफन हैव अ फंक्शन दैट विल कैलकुलेट रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेट्स ऑफ डेटा मतलब जो हमारी एक्सेल शीट होती है स्प्रेडशीट जो चैप्टर हमें अभी करना है उसके अंदर अगर हम ये दोनों डेटाज लिखते तो वहाँ पे हम सिंपल फॉर्मूलेज लगा के वी कैन फाइंड आउट दिस इक्वेशन उसमें सिर्फ हमें वैल्यू डाल देंगे ये डेटा डालेंगे ये वैल्यू डालेंगे ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा उसके फॉर्मुलेज वहाँ पे होते हैं काफ़ी सारे फार्मूलेज होते हैं एंड सिम्प्लीफाईज द बजटिंग प्रोसेस अब इसकी लिमिटेशंस क्या लिमिटेशंस मींस नुकसान पहला नुकसान अज्यूम्स अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स ओर नहीं मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में ही ये लीनियर रिलेशनशिप निकाल सकता है अच्छा वो सेकेंड वाला पॉइंट है इन रियालिटी द डिपेंडेंट वेरिएबल इज अफेक्टेड बाई मैनी इनडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब अभी तक हमने देखा कि एक चीज जो डिपेंडेंट होती है वो एक ही चीज़ पर होती है यूनिट्स बट एक्चुअली अब सेल्स है हमारी वो खाली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे तो डिपेंडेंट नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कॉस्टिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ पे ये मेथड इतना एक्यूरेट नहीं होता ओनली इंटरपोलेटेड फोर्स फोरकास्ट ट्रेंड इज रिलायबल द इक्वेशन शुड नॉट बी यूज फॉर एक्स्ट्रापोलेशन मतलब हमें जो डेटा हमारे पास है उसके अंदर की ही वैल्यूज निकालना बेटर है आगे की निकालेंगे तो वो एक्यूरेट हो सकता है ना हो क्योंकि रीज़न क्या है क्योंकि अगर हम अगले साल की फिगर्स आगे की निकालेंगे तो वी डोंट नो के आगे इन्फ्लेशन क्या है रेट्स में क्या चेंजेस आएंगे तो वहाँ ये चीज़ नहीं चल सकती रिग्रेशन अज्यूम्स दैट हिस्टोरिकल बिहेवियर ऑफ़ डेटा कॉन्टीन्यूस इन टू फ्यूचर मीन्स सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो अभी तक हमारे डेटा पॉइंट्स आए हैं आगे भी अप्रॉक्सीमेट इसके आसपास ही लाइन आएगी आगे भी इसके आसपास ही चलती रहेगी दैट इज के सेम <coughs> बिहेवियर आगे चलेगा विच इज नॉट ट्रू इंटरपोलेटेड प्रिडिक्शन आर ओनली रिलायबल इफ देर इज सिग्निफिकेंट कॉरलेशन बिटवीन द डेटा ये हम आगे पॉइंट पढ़ेंगे ठीक है अभी कॉरलेषन का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अभी इतना ही इसको अच्छे से पढ़ो समझो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट सिर्फ फॉर्म लर्न करना है आई विल ट्राई टू कवर दिस चैप्टर इन थ्री वीडियोस ज़्यादा बड़ा नहीं है ठीक है सिर्फ formulas है गाइस सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म लेज है ये करने के बाद इस चैप्टर के बाद आई विल गो फॉर बजटिंग एंड देन कैपिटल बजटिंग एंड उसके बाद जो एक दो चैप्टर छोटे छोटे रह गए हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और एक्सेल वो सारे ठीक है इस वीडियो के बाद मुझे प्लीज़ बताना कि तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो अच्छे से समझ आया कि नहीं आया मैथमेटिकल फॉर्मूला क्योंकि इसमें लॉजिक कोई नहीं है सिंपल फार्मूला है तो इसको कराने का तरीका थोड़ा सा अलग था मेरा मुझे प्लीज़ बताना तुम्हें कैसा लगा एंड गाइस टेक केयर आई नॉट से स्टे होम क्योंकि अब सारे बाहर निकल रहे हैं तो ये है कि वियर मास्क टेक केयर ऑफ़ योर ड्रिंक हॉट वाटर टू टू थ्री टाइम्स अ डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर बाय